फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मित्रों की लाइफ। कैसे मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी कुर्तियां, जो कि एथनिक प्रिंट वाली है अमेजोन से, और डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली, बिकॉज बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है और समर में पहनने के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कौन सी कुर्ती पसंद आई है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की इन्फो आपको मिलती रहे। करते हैं आज अपना हॉल। उस जो कुर्ती आ रही है बहुत ही खूबसूरत सी अनुभूति की कुर्ती है, जो कि मैंने डबल एक्सएल साइज में ले लिया फ्रेंड्स, एंड इसकी फिटिंग मुझे अच्छी लगी बिकॉज मुझे बहुत ही ज्यादा टाइट फिटेड कुर्तियां नहीं पसंद है। सो दिस वन इज क्लास एंड ब्लैक कलर में है, और ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है, ये अभी तक आपको पता चल गया होगा। एंड ब्लैक कलर पे बहुत अच्छा सा प्रिंट हो रखा है, सॉर्ट ऑफ बांधनी प्रिंट, लुक एट दिस, ग्रे एंड व्हाइट कलर में। और फ्रंट में इसमें बहुत खूबसूरत सा एक पैटर्न बना हुआ है येलो एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, जो कि अगेन इसको बहुत अच्छा हाइक दे रहा है, मतलब योग पार्ट को बहुत अच्छा सा लुक दे रहा है। एंड यहाँ पे एंड तक ये एक पैनल गया है सेम प्रिंट का नीचे तक, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। एक इल्यूजन क्रिएट होता है ऐसे पैनल जब आपका सीधा आता है कुर्ती पे फ्रंट में, कि स्लिम होने का इल्यूजन एक, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। और यहाँ पे एक टैसल लगा है गोल्डन कलर में, लुक एट दिस। और इसकी जो स्लीव है ये 3/4 स्लीव है फ्रेंड्स, एंड इसमें भी यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। एंड इसका जो नेक है राउंड नेक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो योग पार्ट पे प्रिंट है इसमें बहुत अच्छा सा एक काथा स्टिच का वर्क एंड सीक्वेंस वर्क हो रखा है, जिसकी वजह से शाइन आ जा रहा है। डेली यूज में तो आप इसको पहन ही सकते हो, क्योंकि कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट रेयन सिल्क कपड़ा है, तो काफी आरामदेह है, आप आराम से इसको पहन सकते हो गर्मियों में, क्योंकि स्ट्रेट फिटिंग का कुर्ता है फ्रेंड्स। साइड में कट है, बैक साइड में भी सेम प्रिंट हो रखा है। तो जो इनके प्राइस है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हो। और जो भी मैं प्रोडक्ट मेंशन कर रही हूँ उनका मैं हॉल पैक लिंक भी दे दूंगी, ताकि आप वहां पे भी चेक कर सकते हो अगर परचेस करना चाहो तो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट जो कुर्ती आ जा रही है वो बहुत ही खूबसूरत सी लेयर्ड कुर्ती आ जा रही है। एक्चुअली ये इसका कुर्ता है एंड इसके साथ यहाँ पे इसकी कोटी है। ओके, तो ये इंडिगो प्रिंट में है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले मैं इसको इसके बारे में बताती हूँ, जो कि है रेड कलर में, माइक्स ब्रांड से है, डबल एक्सेल साइज अगेन मैंने ले लिया। मुझे लगता है कि अभी डबल एक्सेल साइज जो है मेरे को प्रॉपरली फिट आ रहा है, वेट पुट ऑन के लिए है मैंने। सो ये देखिए, राउंड नेक है, स्लीवलेस है, एंड ये जो है साइड कट है, स्ट्रेट फिटिंग का कुर्ता है फ्रेंड्स बिल्कुल। एंड इसके साथ जो इसमें श्रग दिया हुआ है, श्रग जो है इसके साथ वो प्योर कॉटन में है, कुर्ती भी प्योर कॉटन में है, उसका श्रग भी प्योर कॉटन में है। बहुत ही ज्यादा फाइन कपड़ा है फ्रेंड्स, और माइक्स ब्रांड के जो कुर्तियां होती है ना उसका अलग ही एक जो होता है फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, स्टिचिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। लुक एट दिस श्रग, ठीक है, इंडिगो प्रिंट में है फ्रेंड्स, ये स्लीव बने हुए हैं। एंड सामने इस जगह पे देखिए एक टैसल दिया हुआ है टाइट करने के लिए, ये स्लीवलेस है, एंड एक्चुअली पूरा कुर्ता ही स्लीवलेस है, इस पर स्लीव नहीं दी हुई है इन्होंने। एंड ये ऐसे करके ए लाइन जा रहा है, नीचे एक अलग से प्रिंटेड कपड़ा लगा हुआ है इंडिगो प्रिंट का, जिसकी वजह से एक अलग से लुक आ रहा है। बट मेरे को ये पीस इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये डिटैचेबल है, तो इस श्रग को हम अलग से किसी आउटफिट के साथ पेयर अप कर सकते हैं, इवन सिंपल टी शर्ट के ऊपर जीन्स के साथ हम इस श्रग को ले सकते हैं, बहुत वो एथनिक लुक क्रिएट कर सकते हैं इंडो वेस्टर्न वाला।
एंड अगर हम इसको अलग से साड़ी के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा सा अलग से लुक क्रिएट कर सकते हैं, एंड डिफरेंट किसी कुर्ती के साथ भी इसको हम ले सकते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेरे को पीस लगा, सो मैंने इसको ग्रैब कर लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट जो कुर्ती आ जा रही है वो बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट कुर्ती आ जा रही है, और मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है शॉर्ट कुर्ती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं जाने आने में ना बहुत ईजी रहता है शॉर्ट कुर्ती, मस्त जीन्स के ऊपर डालो और यू आर गुड टू गो। सो दिस वन इज वेरी ब्यूटिफुल कुर्ती फ्रॉम द ब्रांड सोडिया, एक्सेल साइज में आया है मेरे को। एक्चुअली एक्सेल साइज मेरे को लगा थोड़ा सा टाइट मेरे अकॉर्डिंग, सो मैं एक्सचेंज करूंगी इस कुर्ती को, बट कुर्ती की क्वालिटी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, एंड प्रिंट भी बहुत प्यारा है। सो हाईली रिकमेंड है ये कुर्ती, एंड इसका प्रिंट आप अगर देखो, एक्चुअली सिंपल प्रिंट है बट ये कलमकारी जैसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इसका योग पार्ट जो है उसमें भी बहुत अलग से कपड़ा लगा हुआ है, बहुत प्यारा सा लग रहा है, एंड बहुत क्लासी लुक आ रहा है स्टैंड कॉलर के साथ। 3/4 स्लीव है इसकी, एंड यहाँ पे देखिए इसका जो लेंथ है वो आपकी थाइस तक ही है, ज्यादा लंबी नहीं है, वो शॉर्ट कुर्ती है जितनी की उसकी लेंथ होती है, साइड में थोड़ा कट है। ओके, सो दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल प्योर कॉटन की कुर्ती, हाईली रिकमेंड, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस तरीके की कुर्ती जो होती है ना बहुत ही ईजी रहती है पहनने के लिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट कुर्ती जो है वो भी बहुत खूबसूरत सी कुर्ती है, जो कि इंडो एरा ब्रांड से है, और ये डबल एक्सल साइज में मैंने ले लिया, बिकॉज अभी मैंने वेट पुट ऑन बहुत ज्यादा कर लिया, तो आई थॉट कि अपना साइज भी अपग्रेड करना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत टाइट फिटेड कुर्ती, जैसे कि आपको पता ही है। सो डेफिनेटली ये वाली कुर्ती तो मस्ट हैव कुर्ती, इसलिए भी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा फाइन है, एंड थोड़ा सा ये सॉर्ट ऑफ सिल्क का अफेक्ट दे रहा है, लुक एट दिस, बट दिस इज नॉट सिल्क एक्चुअली, ये डिफरेंट टाइप का कुछ कपड़ा है, वो सॉफ्ट मटीरियल है, एंड राउंड नेक है फ्रंट में, बिल्कुल बंद गला टाइप्स होता है ना, उस टाइप का बंद गला है, एंड बैक साइड में लुक एट दिस, ऐसे यहाँ पे लूप है, सो दिस इज फुल्ली बंद गला कुर्ता है ये, और सामने एक बहुत प्यारा सा ब्रोकेट का एक पैनल लगा हुआ है योग पार्ट में, सो बहुत ही अच्छा रिच लुक आ जा रहा है इससे। एंड इसकी स्लीव है 3/4 स्लीव है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कट है, कटआउट है यहाँ पे, और कटआउट में इस जगह पे थ्रेड है बांधने के लिए। ओके, सो कुर्ती स्ट्रेट फिटिंग में है फ्रेंड्स, एंड साइड में कट है, और साइड जो कट है ना वहां पे भी ऐसे गोल्डन कलर का पाइपिंग का वर्क हो रखा है, तो लुक तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स इसका। और मैंने इसको शरारा के साथ पेयर अप किया था, आप चाहो तो पेंसिल पैंट के साथ पहन सकते हो, इवन स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, उसकी स्कर्ट मीन्स वो गोल्डन कलर का किसी जो स्कर्ट होती है उस टाइप के प्लेन स्कर्ट के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, बहुत डिसेंट लगने वाला है, बहुत ही प्यारा एंड सोफिस्टिकेटेड सा पीस है। ठीक है, तो पार्टी वार्टी में अगर आप इसको मिक्स एंड मैच करके पहनते हो ना दुपट्टे एंड स्कर्ट या शरारा के साथ, तो बहुत अच्छा लुक आने वाला है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो अगेन आ जा रही है ब्लैक कलर में, बट द थिंग इज दिस, इसका पैटर्न मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, सो मैंने ले लिया, एंड ब्लैक कलर में ये गोल्डन फॉइल प्रिंट हो रखा है फ्रेंड्स पूरा, और इसमें राउंड नेक है, और ये जो साइज है एक्सेल साइज है, क्योंकि ये जो था फ्रॉक पैटर्न में था, गाउन पैटर्न में, सो मैंने एक्सेल साइज जो है प्रेफर किया, एंड ये मेरे को बहुत अच्छी फिटिंग में आ गया। एंड इसका जो बर्स्ट एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वन साइड प्लेन काथा स्टिच हो रखा है, एंड वन साइड पूरा योग पार्ट में प्रिंटेड है, ये जो है गोल्डन फॉइल प्रिंट है, एंड ऐसे ही पूरे कुर्ती में वन साइड प्लेन है एंड वन साइड प्रिंटेड है, और सेम एज इट इज बैक साइड में भी इसका है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुर्ती में आप अगर देखो तो साइड में इसमें थ्रेड दिया हुआ है बांधने के लिए, ऐसे करके साइड में थ्रेड दिया है बांधने के लिए। इसकी जो स्लीव है फ्रेंड्स वो थोड़ी शॉर्ट है, एक्चुअली यहीं तक की स्लीव है, 3/4 भी नहीं है, यहाँ तक की शॉर्ट स्लीव है, और उसमें हो रखा है ऐसे साइड में बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है,
तो रेयॉन का कपड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगा जो कपड़ा है उतना ज्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा सा थिन है। आप किसी के साथ मिक्स एंड मैच करके अगर पहनते हो पैंट के साथ तो भी बहुत अच्छा लगेगा हैवी ज्वेलरी के साथ। ठीक है, तो ये था आज का मेरा छोटू सा हॉल, और कैसा लगा आपको मेरा ये हॉल आप मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर एक भी कुर्ती पसंद आ गई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बहुत ही जल्दी होने वाला है गिव वे, तो गिव वे का अनाउंसमेंट भी मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तब तक रहिए आप अपने घर में सेफ एंड बाय।